जैसे उमूमी तौर पर मुसलमानों की ज़रूरत है मस्जिद मदरसा, इसी तरह लाइब्रेरी भी बहुत बुनियादी ज़रूरत है जिसकी तरफ आमतौर से हमारा रुझान नहीं है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ज़्यादातर एमफिल और पीजी के तलबा, तो उन्हें थीसिस के लिए बहुत किताबों की ज़रूरत पड़ती है जो आमतौर से न तो ख़रीदना मुमकिन है और ना एक जगह मैसर होती है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और मदारिस के तखसस के तलबा के लिए भी। बुनियादी तौर पर एक एजुकेशनल ट्रस्ट है पर जिसके मुख्तलिफ शोबे हैं। तो सबसे पहले क्याम नदवा लाइब्रेरी का हुआ, तकरीबन इसको 45 साल हो गए हैं। इसमें एक हिस्सा तो वो है जो हमारे पास आमतौर से किताबें पब्लिशर्स के पास मिल जाती हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं तो जो कि मखतूतात की शक्ल में होती हैं तो आमतौर से वो मार्केट्स में नहीं मिलती। एक मुस्तकिल शोबा यहाँ पर बना जो शोबे तहकीक के नाम से है, रिसर्च के नाम से। तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है जो तहकीक होनी थी वो मखतूतात पे होनी थी, तो उसके लिए फिर या हदीयतन, लेकिन ज़्यादातर हमने ख़रीदी है चीज़ें, या तो माइक्रोफिल्म्स की सूरत में ख़रीदी हैं या वहाँ से फोटोकॉपीज़ की सूरत में ख़रीदी हैं और या पीडीएफ वगैरह की सूरत में आई हैं चीज़ें। तो उसमें ज़्यादातर ख़रीदी गई हैं और बहुत बड़ी कीमत देकर ख़रीदी गई हैं। जैसे अभी 3-4 साल पहले हमने एक किताब इंडिया से ख़रीदी है, हाशिया तहतावी, तो वो हमें उसका फीस सफ़ा $5 का पड़ा है और वो हज़ारों की तादाद में सफ़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलनदवा लाइब्रेरी के नाम से है जी लाइब्रेरी, और ये बुनियादी तौर पर 4 हाल पर मुश्तमिल है। तो हर हाल में मुख्तलिफ मौजूआत की किताबें रखी हैं और जो भी रिसर्चर आना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू की किताब यहाँ पे अवेलेबल है जी। शिबली हाल में, जिस हाल में अभी हम मौजूद हैं, तो इस हाल में 5 मौजूआत पे किताबें रखी हैं। कानून है, कानून को हमने ज़ेली तकसीम किया हुआ है, फिका, शाफी, हम्बली, मालिकी, जाफरिया और फतावा और उसूल फिका, ये सब अलग अलग रखी हैं ताकि को किसी भी मौजू में आके काम करना चाहें तो उन्हें दिक्कत ना हो, वो आसानी से काम कर सकें जी। अकीदे के मुतालिक किताबें हैं, मजाहब आलम पे हमारे पास किताबें हैं, दूसरे मजाहब की किताबें हैं, इस्तेदल तलमूद बाबली के नाम से है, और इसी तरह तसव्वुफ की तकरीबन तमाम मकतूबात और मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह की किताबें, अशरफ अली थानवी साहब के मलफूजात, इसी तरह जो भी मशहूर मशहूर किताबें हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। दूसरा हाल है मातुरीदी हाल, तो उसमें तफसीर का सेक्शन है, हदीस का सेक्शन है और सीरत का है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5,000 के करीब तफसीर की किताबें हैं जी। इसी तरह उसमें तराजम भी हैं, मुख्तलिफ नायाब भी हैं इसमें, और हदीस पे 8-10 हज़ार किताबें हैं, सीरत पे तकरीबन 2,500 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलेक्शन है जी। तीसरे हाल में चले जाएं तो रूमी हाल के नाम से हमारा एक हाल, उसमें हमने हिस्ट्री की किताबें रखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान में सारे इंसाइक्लोपीडिया वगैरह सारी हिस्ट्री है जी। इस्लाम की भी है, तारीख मदीना तो दमिश्क अल कबीर के नाम से किताब है, काफी जिल्दों में है, और सलीबियों की जो जंगें हुई थी वो एक इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास 50 जिल्दों में, वो भी एक अहम चीज है। तो इसी तरह उर्दू अदब का सेक्शन है जी।
ایک اور حال ہے حسنی حال، جہاں پہ ہمارا آفس بھی ہے، اور وہاں پہ ہم نے عربی ادب کی کتابیں رکھی ہیں، فلسفہ و منطق رکھی ہیں، اور اسی طرح مقالات ہیں، خطبات ہیں، اور مختلف رسائل ہیں ہمارے پاس، معارف رسائل ہیں جو کہ 1917 سے چھپا ہوا تھا جی، سٹارٹ ہوا تھا، تو الحمدللہ ابھی تک جاری ہے، تو وہ ہمارے پاس اس کے پورا ریکارڈ ہے۔ ایک اور رسالہ ہے تعلیم القرآن، یہ ایسے رسائل ہیں جو ابھی بہت ہی کم کسی کے پاس ہوں گے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ صحیح بخاری کا جو ابی ذر حریری کا جو نسخہ ہے، جو ان کے ہاتھ سے چھپا ہوا ہے، جو ابھی ترکی والوں نے چھاپ بھی لیا ہے، وہ نسخہ موجود ہے یہاں پہ۔ کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی قدیم نسخے ہیں وہ بھی میسر ہو، تو اس میں قرآن مجید کے تراجم میں اور تفاسیر میں ایک تو شیخ حسن کا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر اپنا کا ترجمہ ہے، جو تقریباً 100 سال پرانے ہیں تقریباً۔ جو مصحف عثمانی کا جو اب ترکی والوں نے جو چھاپا ہے اصل صورت میں، وہ اس کا بھی ایک نسخہ موجود ہے۔ مصحف عثمانی وہ نسخہ ہے جس میں حضرت عثمان تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، تو شہادت کے بعد ان کے جو خون کے چینٹے ہیں، تو وہ نسخے پہ پڑے تھے، اس نسخے کو محفوظ کیا اور اس کو چھاپ بھی دیا ہے۔ ایک جو بہت نایاب نسخہ ہے سیرت کے حوالے سے، ایک کتاب ہے الزہر الباسم کے نام سے، جس کا صرف ایک ہی نسخہ ہالینڈ میں لائیڈن یونیورسٹی میں تھا، جو پھر اس کو مفتی صاحب وہاں سے خرید کے لے کے آئے ہیں، اور یہاں لائبریری میں اس پہ ایک ساتھی نے کام کیا، اور وہ بس ایک ہی نسخہ تھا سیرت کا، الزہر الباسم فی سیر ابی القاسم کے نام سے، اور وہ الحمدللہ بیرو سے چھپ بھی چکی۔ جو قرآن کریم نابیناؤں کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ تلاوت کرتے، اس کا بھی ایک نسخہ الحمدللہ موجود ہے، اور زیادہ تر زبانوں کے قرآن مجید کے نسخے اور ترجمہ تفاسیر ہیں۔ اس کا منگوانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مختلف مکتبوں سے رابطہ بھی ہے، مفتی صاحب کا جب بھی باہر جانا ہوتا ہے تو وہاں سے بھی ہمارے ہیں باہر لوگوں سے رابطے، مصر سے لاتے ہیں مفتی صاحب، ایک دو بار چیزیں لائے ہیں، تو پاکستان میں بھی ایسے ہیں، مکتب فیصل آباد میں ہیں، ان کے پاس ایسی نایاب چیزیں آتی ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم پھر خرید لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک لائبریری خریدی ہے کراچی کے حکیم محمود احمد برکاتی صاحب کی لائبریری ہے، تو اس میں کافی ایسی نادر نایاب چیزیں ہیں، مخطوطات ہیں طب کے حوالے سے، جو صرف انہی کے پاس تھے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے الحمدللہ خریدی ہے، اس کا ایک حصہ ہماری لائبریری میں آ چکا ہے، باقی رہتی ہے وہ بھی منگوا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس طرح کچھ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کی کتابیں بیچنا چاہتے ہیں، مطلب جب وہ فوت ہو چکے ہوتے تو ان کے اولاد جو ہیں وہ اس طرح ان کو نہیں سنبھال پاتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے مکتبے میں ہو جہاں سے لوگ مستفید ہوں، تو وہ پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ہم بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں ایسی چیزوں میں۔ مختلف لائبریریوں میں کتاب کو مرتب کرنے کے لیے مختلف اشاریہ بندی کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے جی، تو ہم جو کر رہے ہیں ڈیوی کے نام سے، ایک ہے ڈیوی ڈیسیمل کے نام سے کلاسیفیکیشن ہے، اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل لائبریریوں میں استعمال ہوتی ہے جی۔ ایک کتاب جب ہم نئی خریدتے ہیں اس کی 14 بنیادی چیزیں ہم کمپیوٹر میں اندراج کرتے ہیں، اس کا نام، مصنف کا نام، کہاں سے چھپی ہے، محقق کا نام، کس زبان میں ہے، کس سن میں چھپی ہے، اور کوئی اضافی خصوصیات، اور اس کا داخلہ نمبر جس سے ہم کتاب سرچ کرتے ہیں، ایکسیشن نمبر اسے بلاتے ہیں، یہ 14 چیزیں ہم اندراج کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی سپائننگ کرتے ہیں، سپائننگ کر کے پھر ہم شیلفوں تک کتاب اندراج کر دیتے ہیں، اور یہ جتنی بھی آپ کو میں نے کتابیں اور حالس بتائے ہیں، الحمدللہ 40,000 کتابیں ہیں جو ہم اندراج کر چکے ہیں، اور ایک منٹ کے اندر اندر کتاب پتہ چل سکتی ہے کہ یہ کتاب لائبریری میں ہے کہ نہیں۔ ابھی فی الحال لائبریری میں جو کتابوں کی تعداد ہیں سب کتابیں ملا کے، جو ہارڈ صورت میں ہیں، فوٹو کاپیز ہے، مائکرو فلمز ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں، تقریباً 1,00,000 کے آس پاس کتابیں ہیں۔ جو کتابیں خرید کے لاتے ہیں جی، یا ایسی کتابیں جو ریئر ہیں، تو ان کو ہم سکیننگ کرتے ہیں، سکیننگ کر کے پھر کلر فوٹو کاپی کرتے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ فوٹو کاپی کا بھی پورا نظام ہے اور شعبہ بائنڈنگ بھی ہے،
तो उसकी बाइंडिंग करते हैं, उसके महफूज करने के कुछ तरीके होते हैं, प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं उसको, इस तरह फाइल में अलग रख देते हैं, पीडीएफ में महफूज कर लेते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइब्रेरी है जी, ये आम पब्लिक लाइब्रेरी है और मुफ्ती साहब ने इस लाइब्रेरी को 24 घंटे के लिए सब के लिए इजाज़त है, सब कोई भी आए पढ़ सकता है जी। उसमें उनको खाना पीना जो भी सहूलियात है, बिजली नहीं जाती है, जनरेटर लगे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा नाम एहसानुल्लाह है और मेरा ताल्लुक जिला शंगला खैबर पख्तूनख्वा से है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन LLB शरिया इस्लामी की है और अभी मैं एज ए प्रैक्टिसिंग लायर हूँ, पेशावर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चूँकि मेरा एक एग्ज़ाम था और उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी, तो एक दोस्त ने मुझे ये जगह रेफ़र की। उन्होंने कहा कि अलनदवा लाइब्रेरी जो कि इस्लामाबाद से कुछ फासले पर है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप अपनी मुतालिया जो है वो कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी पुरसकून माहौल है और सबसे अहम बात यह है कि ये जो लाइब्रेरी है ये 24/7 ओपन रहती है और काफ़ी इस्तेफादा इससे हमें मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिम की सहूलत भी है और लॉन्ड्री की सहूलत भी है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। लाइब्रेरीज में पढ़ने के जो साथी आते हैं उन्हें रोज़ाना के बुनियाद पर हो, चाहे जिनकी रिहाइश हो और वो जिन चीज़ों से भी इस्तेफादा करते हैं, चाहे वो रिहाइश है, खाना पीना है, सब चीज़ें हैं, वो इदारे की तरफ से फ्री हैं, इदारा उसको किसी भी सूरत में चार्ज नहीं करता। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं पेशावर से हूँ और रिसेंटली पेशावर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में डिग्री की है और मैं यहाँ पे सीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। मैं चूंकि खुद कायदेजम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गया, वहाँ दो दिन के लिए पढ़ा भी, पर उसमें एक ये बात थी कि वो 8 o'clock बंद हो जाती थी। मेरा ये नेचर है कि मैं रात को पढ़ता हूँ और जब मैं यहाँ आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये एग्जेजरेशन नहीं होगी, ये 24/7 ओपन रहती है लाइब्रेरी और जब आप चाहे स्टडी कर सकते हैं। ऑल बेसिक अम्यूनिटीज दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, लॉन्ड्री की सहूलत दी जाती है, यहाँ पे रिहाइश बिल्कुल आपको लग्जरी रूम दी जाती है और यहाँ पे वेल इक्विप्ड जिम है, एवरीथिंग आपको जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज या अम्यूनिटीज है वो आपको दी जाती है। यहाँ जीरो पेमेंट, ये स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पे जीरो पेमेंट आपको करनी पड़ती। इवन जब मैं पेशावर जाता हूँ कोई टेस्ट के लिए या कोई ऐसे, तो मुफ्ती साहब अपनी गाड़ी में मुझे फैजाबाद फैसलमोर तक छोड़ आते हैं। यहाँ पे ना एज लिमिटेशन है, ना जेंडर कोई स्पेसिफिकेशन है, हर कोई आ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, पर अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो फिर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए जरूर। दो सूरतें हो सकती हैं, एक सूरत तो यह है कि लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आएँ, तो उसमें तो कोई इतनी सी नहीं है, बस वो पहली बार जब आएंगे तो उनका वो हम इंट्री वगैरह कर देंगे, तारफ हो जाएगा। उसके लिए अवकात ये हैं कि हमारी लाइब्रेरी फजर के फौरन बाद खुल जाती है और शाम 10 बजे तक खुली रहती है। दूसरी सूरत यह है कि जो साथी दूर से आते हैं, उसमें ज़्यादातर साथी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, MPhil PhD के या मदारस के तखसस के तलबा होते हैं, और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो CSS PMS वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, कुछ डॉक्टर हजरात भी आते हैं। तो उसके लिए ये है कि साथी पहले से रابطہ करते हैं, और चूंकि हमारे पास जगह महदूद है, हमारे पास 25 से 30 साथियों के ठहरने की गुंजाइश है फिलहाल। आने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो यह है कि अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से या मदरसे से पढ़ते हैं तो अपने सुपरवाइज़र या मदरसे से वो लिखवा के ले आएँ और वो क्या काम कर रहे हैं। अगर जो MPhil PhD का स्टूडेंट है तो जाहिर बात है वो किसी थीसिस पे काम कर रहा होगा, तो साइनाप्सिस की फोटोकॉपी चाहिए होगी। इस तरह अगर मदारिस के तलबा हैं तो खुत्ते की फोटोकॉपी चाहिए होगी। अगर दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो किसी मदरसे या यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, तो फिर उनके लिए ये है कि वो अपने इलाके के किसी ऐसे मोतबर शख्स का, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो, जो भी हो, जो मारूफ हो, और उसकी जमानत ले सके।
میں جب آیا اور یہاں پہ دیکھ لیا تو یہاں پہ ریلیجیس بکس بہت زیادہ ہے, تو میں جب دیکھا اور مفتی صاحب سے بات کی تو میں 99% شور تھا کہ مفتی صاحب مجھے الاو نہیں کریں گے, کیونکہ میں ایک انگلش لٹریچر پڑھا ہے اور یہاں پہ آ کے اس طرح مدرسہ ٹائپ لگ رہا تھا. بس جب میں یہاں آیا اور مفتی صاحب سے بات کی تو میں حیران رہ گیا, کیونکہ مفتی صاحب ہے سچ این انمیٹیبل اینڈ گریشیس پرسنالٹی, بیکاز unlike other religious scholar he is not racing after fame and stuff like that, he loves everyone and treats everyone like a family member, he only wants people to learn, he basically wants to eliminate religious extremism through knowledge, aur usi wajah se ye sara contribution the credit goes to him aur ye sara contribution uska hai aur wo sirf dekhna chahte hai bas log padhe. Library plays a very crucial role in community enhancement, is tarah intellectual growth of a society mein vital role ye play karti hai, aur uske sath sath ye ek culture promote karta hai, reading culture, aur you know ke reading is the best teacher, to jitna aapka mutala hota hai wo utna hi aapki knowledge vast hoti hai aur utni aap decision achhi le sakte ho.